अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान, मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। आज हम बात करेंगे, कोरोना की तीसरी लहर शदीद हो गई और SOPs पर अमल दरामद के लिए फ़ौज की खिदमात हासिल कर ली गई और ये फ़ैसला इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि आवाम एहतियात नहीं कर रहे और एहतियात ज़रूरी है। आवाम को भी चाहिए कि वो हुकूमत के साथ, इंतज़ामिया के साथ तआवुन करें क्योंकि पड़ोसी मुल्क भारत में इस वक्त कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा तशवीश है, बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड वहाँ पे केसेस सामने आ रहे हैं और कोरोना से हम वैक्सीन बिल्कुल हो रही है, लेकिन वैक्सीन के साथ साथ हमें एहतियात करनी चाहिए और एहतियात बहुत लाजमी है। दूसरी तरफ अगर हम सियासी सूरत हाल की बात करें तो आज बहुत दिनों के बाद जहांगीर तरीन के साथ के जो हमायती ग्रुप था उसकी वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात हुई है और मुलाकात में चूँकि जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ जो केसेस थे उनके हवाले से पेशरफ्त हुई और जहांगीर तरीन का जो हिमाचल याफ्ता ग्रुप है उसने वज़ीर आज़म के सामने अपने तहफ़ुज़ात रखे और कहा कि जहांगीर तरीन के साथ ज़्यादती हो रही है और इन केसेस पे हुकूमत जो है वो नज़रसानी करे, वज़ीर आज़म स्पेशली इस तरह की जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं उनको देखें। जिसके जवाब में वज़ीर आज़म ने कहा कि अगर जहांगीर तरीन इन तमाम केसेस में इन्वॉल्व हुए तो उनको बिल्कुल सज़ा होगी और जहाँ पर उनके साथ ज़्यादती है उस मामले पर वो इंक्वायरी करवाएंगे। इस मुलाकात को सियासी हलके बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र से देख रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि एहतसाब के अमल में वज़ीर आज़म की मुलाकात और अगर इसके बाद जो भी फैसला आएगा वो फैसला जो है वो हुकूमत के हवाले से ख़तरनाक हो सकता है और वो इसलिए भी हो सकता है चूँकि वज़ीर आज़म ने कहा था कि हम किसी को भी NRO नहीं देंगे। अगर NRO जहांगीर तरीन को मिल गया तो हुकूमत की पोजीशन क्या होगी और उनके एहतसाब पर इसके क्या असरात होंगे, क्या जो एहतसाब के इदारे हैं उनके ऊपर ये मुलाकात असरानंदाज होगी या नहीं। दूसरी तरफ आसिफ अली जरदारी साहब के ख़िलाफ़ बदउनवानी का रेफरेंस भी दायर कर दिया गया है। NA 249 कराची जो है वो भी इस वक्त सियासी तवज्जो का मरकज़ है चूँकि 29 को इलेक्शन होने जा रहे हैं। ये PTI की तरफ से ये फैसल बावंडा साहब की ये नशस्त थी, खाली हुई। अब देखना यह है कि कौन सी जमात है इस पे ये इलेक्शन जीतती है। इस पे बात करेंगे, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बैरिस्टर अली ताइट साहब, आप सीनियर तजियाकार हैं, खुश आमदीद कहते हैं आपको। और टेलीफोन पे हमें ज्वाइन करेंगे आजिज दामरा साहब, आप सीनियर रहनमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। दामरा साहब आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। बैरिस्टर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करेंगे, किस तरह देखते हैं खासतौर पे जहांगीर तरीन ग्रुप की आज मुलाकात हुई है प्राइम मिनिस्टर साहब से और इस मुलाकात के बाद एहतसाब के जो इदारे हैं क्या उन पे प्रेशर बिल्ड नहीं होगा, क्या इस जब तक ये केसेस फाइनल ना हो जाते उसके बाद वज़ीर आज़म की तरफ से कोई स्टेटमेंट आती? हम देख रहे थे पिछले कई दिनों से प्रेशर बिल्ड किया जा रहा था जहांगीर तरीन ग्रुप की तरफ से कि मुलाकातें करें, जहांगीर तरीन भी इवन मुलाकात के लिए वो उन्होंने कहा भी है कि दोस्ती को दुश्मनी में ना बदला जाए, किस तरह देखते हैं इस पूरे अमल को? सर, पहली बात तो है कि ज़रा बेस से लेके चलते हैं। पहली बात सर ये सामने आती है कि इमरान खान साहब वो वाहिद वज़ीर आज़म रहे हैं तारीख के अंदर जिन्होंने अपनी हुकूमत के किसी स्कैंडल के ऊपर एक इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट बनाई और शुगर कमीशन की रिपोर्ट सामने आई, उसके अंदर कल्पेबिलिटी कई शुगर मिल्स की आई जिनमें जहांगीर तरीन साहब की शुगर मिल भी जो है वो सैर फहरिस्त थी। तो मैं समझता हूँ कि इतना क्रेडिट तो आपको वज़ीर आज़म साहब को देना पड़ेगा कि पहली दफ़ा मुल्क की तारीख में ये हुआ कि अपने ही एक इतने अहम रुकन, हम सब जानते हैं कि जहांगीर तरीन की क्या खिदमात रही हैं और कैसी खिदमात रही हैं, उनका जहाज़ कहाँ से लेके कहाँ चला है, ठीक है, और किस तरह उन्होंने हेल्प किया कि उन्होंने इस इंक्वायरी को शुरू किया, ठीक है। अब आते हैं दूसरी तरफ कि क्या वो जो एक स्ट्रॉन्ग फैसला हुकूमत ने लिया क्या उसको उसमें साबित कदम रह सकी, मैं नहीं समझता। क्योंकि देखें, आज की मुलाकात से पहले ही जहांगीर तरीन साहब को ऑब्जेक्शन था डॉक्टर रिजवान के ऊपर, ठीक है, जो इसको हेड कर रहे थे सारी इंक्वायरी को, हो गया। और वो बार बार कहते थे कि इंक्वायरी तो हो लेकिन फिर वो IO ठीक हो जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है वो ठीक हो। और मेरी जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस रहा है मैं आप उसमें कह रहा हूं कि जब भी कोई IO इंडिपेंडेंट कार्रवाई शुरू करता है तो दुनिया का हर मुजरिम, आज तक मैंने जितने देखे हैं, मैं भी इन्हीं अदालतों में जाहिर है पिछले 8-9 साल से, तो सर मैंने ये देखा है कि वो यही रोता है कि IO मेरे खिलाफ है, हालांकि IO कई दफा अपने इंडिपेंडेंट राय दे रहा होता है। और अल्टीमेटली ये फैसला जो है
ये कोर्ट ऑफ लॉ ने करना होता है। ठीक है, तो जहांगीर तरीन ग्रुप की इस बात को मान लेना मीटिंग से पहले ही कि उसको रिमूव कर देना, मैं समझता हूँ लॉ इन्फोर्समेंट के ऊपर इसका बड़ा बुरा फैसला होता है। बुरा फैसला। और इसके अंदर सर मैं सिर्फ काइंडली सर देखें, यही ऑब्जेक्शन ऑपोजिशन को भी था जब शेख अजमत सईद साहब को ब्रॉडशीट कमीशन का हेड बनाया गया। तो यहाँ इत्तेसाब, दो तरफा इत्तेसाब नजर तो आ रहा है कि एक गरबा इतना ताकतवर है कि उसने जो हेड था, यानी डॉक्टर रिजवान साहब हेड कर रहे थे लाहौर एफआईए को, उसको ही उठा के साइडलाइन करा दिया और दूसरे की ये बात सुनी नहीं जाती। ठीक है, तो अल्टीमेटली मैं समझता हूँ कि एहतसाब जिस तरह से चलना चाहिए था या जो वादा था इस हुकूमत का, उस हिसाब से एहतसाब नहीं चला। नहीं चला। इस पे मौकफ लेते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, आज दामरा साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। दामरा साहब, किस तरह देखते हैं, एक तरफ जाली अकाउंट केस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ 8 अरब रुपये की बदनामी का रेफरेंस दायर हुआ है, और दूसरी तरफ जहांगीर तरीन ग्रुप ने वजीर आजम से मुलाकात की, इस मुलाकात को आप नहीं समझते कि ये मुलाकात के बाद जो इदारे तफ्तीश कर रहे हैं, एहतसाब कर रहे हैं, उनके ऊपर इस चीज़, इस मुलाकात के असरात मुरतब होंगे? आजिज दामरा साहब, आजिज दामरा साहब आप सुन सकते हैं मुझे? हेलो जी, आजिज दामरा साहब आप सुन सकते हैं मुझे? जी जी जी। दामरा साहब, मेरा आपसे सवाल ये था कि आज जहांगीर तरीन ग्रुप की मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म से, और इस मुलाकात को आप किस तरह देखते हैं, क्या ये जो तफ्तीशी इदारे हैं, जो एहतसाब के इदारे हैं, उनके ऊपर इस मुलाकात के क्या असरात मुरतब होंगे, और दूसरी तरफ आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ जाली अकाउंट्स में 8 अरब रुपये की बदनवानी का रेफरेंस भी दायर हुआ है, दोनों डिवेलपमेंट्स को आप किस तरह देखते हैं? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, पहली बात तो मैं जो आपका आखिरी सवाल था पहले उसका जवाब दे देता हूं कि आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ एक और रेफरेंस दाखिल हुआ है, तो ये कोई नई बात तो थी नहीं जिससे हम तबसरा करें। ये वही रेफरेंसेज हैं जिसमें इस कौम के अरबों रुपए जाया किए गए, और इस हुकूमत तो क्या इससे पहले भी आमराना हुकूमतें और उससे पहले की भी हुकूमतों में ये रेफरेंसेज हैं, बल्कि आसिफ अली जरदारी साहब आज भी ये कह रहे हैं कि जिन रेफरेंसेज में वो बाइज़ तौर पर बरी हुए, इसी मुल्क की वो अदालतें थी जिन्होंने बाइज़ तौर पर बरी किया, मगर वो जो 11 साल का कैद था उसका हिसाब कौन देगा, ये एक सवाल है जो तारीख के अंदर भी मौजूद होगा। नंबर दूसरी बात कि एक ऐसा शख्स जो अपनी सो कॉल्ड क्रेडिबिलिटी पे भंगड़े डालते थकता नहीं है, जिसकी सारी पार्टी कहती है कि हमारे लीडर जो हैं वो बड़े सचगो हैं और वो बड़े करप्शन के खिलाफ हैं, देखें वो पहले भी कई एनआरओ दे चुके हैं, मैं खान साहब की बात करता हूं, पहले तो वो हम दोनों पार्टियों को कहते हैं कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा, हमारे केसेस के बारे में एनआरओ में इनमें ना जरूरत है ना इनका काम है एनआरओ देना, ये खामखा कौम को बेवकूफ बनाने की बातें होती हैं, हम सारे केसेस हमारे अदालतों में चलते हैं, मगर मैं इनके अदवार के जो एनआरओ है वो आपको गिनवाता हूँ। पहली बात तो ये करप्शन करते हैं और करप्शन फिर स्टे के पीछे छुपते हैं, दो ऐसे केसेस हैं, एक बीआरटी केस है जहां पर ये 8 साल से हुकूमत करते हैं, कहते हैं कि बीआरटी चल पड़ी मगर उसके बावजूद स्टे बरकरार है, भाई जब बीआरटी चल पड़ी तो आप स्टे खत्म करवा दो, ये क्या खौफ है कि आप बीआरटी मंसूबे की कामयाबी का जो राग है वो अलापते हुए थकते नहीं मगर आप वहां पे स्टे खत्म नहीं करवाते। एक अकबर ऐसा केस है जो इनके हुक्मरान बनने से पहले का केस है मगर उस पर भी ये अदालतों में छुपे हुए हैं, और मैं बात कर रहा हूं कि आज की जो मुलाकात आपने कहा कि ये मुलाकात पे क्या तबसरा करेंगे, देखें ये आसमान के तरफ मुंह करके थूकने वाली बात है, और आज एक एनआरओ हो गया, आज की जो मुलाकात थी वो मीडिया में ये रिपोर्ट हो रही है कि जहांगीर तरीन के हम ख्याल ग्रुप की मुलाकात, उसमें से कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि ये पीटीआई के एमएनए या एमपीएस की मुलाकात है अपने ही प्राइम मिनिस्टर से, और प्राइम मिनिस्टर मजबूर हो गए एनआरओ देने के लिए। मैंने आज से 4 से 5 दिन से मुसलसल अपने टॉक शो में ये कह रहा हूं कि जैसे जैसे बजट करीब आएगा मंजूरी के लिए, ये जहांगीर तरीन के जूते भी पड़ेंगे, पॉलिश करेंगे, पांव पड़ेंगे, तो ये आप देख चुके हैं कि हम ख्याल ग्रुप से जहांगीर तरीन, क्योंकि ये मीडिया में बात पहले आ चुकी है, ये तनकीद जो है वो बिल्कुल जोर पकड़ गई, इसलिए उन्होंने आज घूंघट में बैठ के शर्माते शर्माते जहांगीर तरीन से मुलाकात नहीं की बल्कि उनका मैसेज लिया और उनको मैसेज दिया, क्योंकि ये एफआईआर जो है, ये एफआईआर आखिरी बात, ये एफआईआर उन एजेंसीज की तरफ से है जो प्राइम मिनिस्टर के अंडर काम करती है, और इनके एक साबिक डीजी जो 15 दिन पहले अपने टेन्यूअर से रिजाइन दे गए थे बशीर मेमन, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के ऊपर ये इल्जाम लगाया कि प्राइम मिनिस्टर उनसे वो काम लेना चाहते थे
जिसके जवाब में उन्होंने इनकार कर दिया कि आपका काम नेप कर रही है तो मुझे क्यों करवा रहे हैं वो काम, और इन्होंने गुस्से में आके उनकी पेंशन बंद करा दी थी, जिसको पेंशन खुलवाने के लिए उनको अदालत में जाना पड़ा। ठीक है, तो ये क्या एनआरओ और क्रेडिबिलिटी की बातें कर रहे हैं? ठीक है, दामरा साहब इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमने देखा था वज़ीर आज़म कहते हैं कि ये जो माफियाज हैं वो इस तरह का इत्तेहाद बनाते हैं, जिस तरह का पीडीएम इत्तेहाद बना, वो कहते थे कि अपोजिशन से ये ब्लैकमेल कर रहे हैं, आसिफ अली जरदारी मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, नवाज शरीफ मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, और ये कैसे मुमकिन हुआ कि हुकूमत ही के MNA MPs हैं और हुकूमत ही का ग्रुप है और वज़ीर आज़म उसके हाथों ब्लैकमेल हो गए? जी मैं यही कह रहा हूँ, ये इनको पहले तो ना तो ये सियासतदान है ना इनको हुकूमत चलाने आती है, ये माफियाज माफियाज करते हैं भाई, सारी माफियाज को ढूंढेंगे तो आपको काबीना से लेके आपकी पार्टी के अंदर मिलेगी और शाम से रात तक वो बनीगाला में मौजूद होती है। मतलब आप माफिया की पार्टी हैं, माफिया का अड्डा है, आपके मुंह से माफिया के खिलाफ बयान देना ये मेरे ख्याल में कौम से उससे ज्यादा और कोई मजाक हो ही नहीं सकता। बींग ए पाकिस्तान हुक्मरान, ये कौम से बहुत बड़ा धोखा और मजाक है कि आप माफिया के खिलाफ बात करें और आप झुक के एक हम ख्याल ग्रुप से मिले। मेरी एक बात जो है ना वो आप नोट करें, उस पर बहस करें कि आज की मुलाकात में कहीं ये लिखा गया है या इनकी प्रेस रिलीज में कहीं ये लिखा गया है कि पीटीआई के MNA या MPs ने मुलाकात की? ये तो कह रहे हैं कि जहां नहीं, वो फवाद चौधरी साहब ने खुद कहा है, फवाद चौधरी साहब जो उनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं वो खुद कह रहे हैं कि जहांगीर तरीन ग्रुप की जो मुलाकात हुई था। आप तो कहानी दूसरा, क्योंकि वक्त कम है, दामरा साहब खत्म हो गए, 249 क्या देख रहे हैं आप, जीत रहे हैं 249 में? इंशाल्लाह हम जीतेंगे, और वो हमें जीतवाने में जो मदद करेंगे वो इमरान खान साहब करेंगे और उनकी पॉलिसियां करेंगी। उनकी पॉलिसियां वो कैसे? उनकी नाकाम नामनिहाद कौम दुश्मन झूठे और माफिया के अड्डा, सो कॉल्ड क्रेडिबिलिटी की दावा करने वाले, NRO देने वाले हुक्मरान, और उन्होंने जो कौम की हालत की है, आज दवाई अगर कोई डॉक्टर को चेक कराता है तो वो मरीज मेडिकल स्टोर से दवाई खरीद नहीं कर सकता, चीनी के लिए आपने कौम को भिखारी बना दिया है, बिजली लोड शेडिंग एज इट इज है, महंगाई जो है साबका अदवार पाकिस्तान की तारीख में महंगाई। बहुत शुक्रिया आज दामरा साहब आपने प्रोग्राम में वक्त दिया, और इमरान खान की जो पॉलिसियां हैं महंगाई है वही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जितवाएगी। वैसे आप किस तरह देखते हैं, खासतौर पर जिस तरह दामरा साहब भी बात कर रहे थे कि ये तो वाज़े लाइन हो गई PTI के दरमियान के एक हम ख्याल ग्रुप जहांगीर तरीन का है और दूसरी तरफ इमरान खान साहब हैं, ग्रुपिंग बहुत ज़्यादा है, चार ग्रुप बने हुए हैं इस वक्त PTI में, और ग्रुप होते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी, ग्रुप हर पार्टी में होते हैं, लेकिन प्रेशर है, माने कि जहांगीर तरीन का हुकूमत पे प्रेशर है और मजबूर हुए हैं मुलाकात करने। सर बिल्कुल, देखें बात असल में ये है कि जिस वक्त चौधरी निसार अली खान साहब खड़े होके डेढ़ डेढ़ दो दो घंटे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और नून लीग की जो वफाकी हुकूमत थी कई दफ़ा उसको भी जो है बड़ी ज़ोरदार किस्म का उसको भी हिला देते थे, तो उनको कोई इंटीरियर मिनिस्ट्री उनसे वापस तो नहीं ले ली थी। बिल्कुल, तो ये ग्रुपिंग तो सर होती हैं, और इसी तरह आपको याद होगा कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब जब पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जो है निकल निकल के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। बिल्कुल, तो बड़ा लेटर ऑन जाके उनसे पोर्टफोलियो वापस लिया गया, वरना वो कंटिन्यू कर रहे थे। तो देखें ये ग्रुपिंग्स तो पार्टीज में होती है, जैसे आपने खुद ही कहा पॉलिटिकल विल इमरान खान की एक दफा नहीं, अगर 10 दफा भी कोई पूछेगा तो 10 दफा उसकी तारीफ ये करनी पड़ेगी कि उसने अपने ही लोगों के खिलाफ, देखिये खुसरो बख्तियार इज अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, जहांगीर तरीन इज अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, उसने अपने ही लोगों के खिलाफ नोटिस निकलवाए, अपने लोगों के खिलाफ एक शुगर इंक्वायरी की रिपोर्ट आई, तो ये क्रेडिट इमरान खान को तो जाता है ना, कम से कम वो स्टैंड ले रहे हैं, उन्होंने 20 MPs उस वक्त निकाले थे जब उन्होंने सेनेट में उनके खिलाफ वोट डाला था, तो ये कम से कम इनिशिएटिव तो लेते हैं खान सर। इस बात में कोई शक नहीं है कि देखें कोई भी पर्सनैलिटी बिल्कुल ना बिल्कुल ही अच्छी हो सकती है ना बिल्कुल ही विलन हो सकती है। कुछ अच्छे काम आसिफ जरदारी साहब ने किए, हम उसकी भी तारीफ करते हैं, कुछ अच्छे काम नवाज शरीफ ने किए उसकी भी तारीफ करते हैं, तो इसी तरह इमरान खान ने कम अज कम ये जरूर किया है कि उसने अपनी रैंक्स के अंदर बेशक सिलेक्टिव हो, मैं इस बात को मानता हूँ, ये तनकीद जायज है कि वो सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी हुई है, लेकिन सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी में भी अपने 2-4 लोगों को कम अज कम ही उसने जिसको कहते हैं कि वो मिल के अंदर से गुजारा तो है ना, गुजारा तो है। इसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौका भी लेते हैं, नुसरत भाई साहब ने ज्वाइन किया है, आप MNA हैं PTI की सीनियर सियासतदान हैं, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। आज की मुलाकात की हम बात कर रहे हैं, इस मुलाकात के बाद आप नहीं समझती हैं कि जो जहांगीर तरीन ग्रुप है उसकी वजह उसका जो इदारों पर प्रेशर ज़्यादा बढ़ेगा, बिल्ड होगा, अब जो एहतसाब का अमल चल रहा था उस अमल पर ये मीटिंग असर अंदाज होगी, इदारे खुलकर तफ्तीश करने में नाकाम होंगे?
बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। देखिए, इस तरह की कोई चीज़ होने वाली नहीं है, क्योंकि आज ही प्राइम मिनिस्टर ने बिल्कुल साफ अल्फाज में कह दिया है कि जितना करीब मेरे जहांगीर तरीन था वो उतना आप में से किसी के करीब नहीं। सही। जितना मैं जानता हूँ उतना आप लोग नहीं जानते, और जितना उन्होंने काम किया है मुझे पता है आप लोगों को उतना काम नहीं पता। लेकिन उसके बावजूद मैं इसके बीच में नहीं आऊँगा। जो इंक्वायरी हो रही है वो इंक्वायरी अपनी जगह पे होगी। अगर वो इनोसेंट प्रूव हुए तो वो वेल एंड गुड, और अगर नहीं हुए तो जो सज़ा बाकियों को मिलनी चाहिए वो उनको मिलेगी। और उसके अलावा जो लोग और हैं इसमें शामिल, एक लंबी लिस्ट है जिसमें कुछ वुल्ग़ा भी हैं और ओमनी कंपनी भी है और शहबाज शरीफ की और पता नहीं किस किस की बे इंतहा मिले वगैरह सब शामिल हैं इसमें। ठीक, शुगर मिल्स तो सबके नाम है, सबके खिलाफ इंक्वायरी होगी। ऐसा हो नहीं सकता कि सिर्फ एक इंसान के खिलाफ हो। ठीक है, क्रॉस द बोर्ड होगी, इसमें कोई शक नहीं। प्राइम मिनिस्टर ने ये बात की कि ज्यादती किसी के साथ नहीं होगी, लेकिन इंक्वायरी सबके खिलाफ होगी। बिल्कुल। ठीक, नुसर भाई साहब, आप लाइन पर रहिएगा हमारे साथ स्टूडियो में। बैरिस्टर अली ताहिर साहब भी मौजूद हैं, हम उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी जानते हैं। अब इसमें तो इमरान खान साहब ने कहा कि जहांगीर तरीन हो या कोई और हो, ज्यादती नहीं होगी, लेकिन जिस जिसने कोई जो विक्टिम है साबित हो गया अगर इंक्वायरी में तो उसको सजा जरूर होगी। सर, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मैं समझता हूँ कि यू हैव टू प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। अगर देखें ना, मैं एक वकील हूँ, मैं आपसे कहूँ कि मेरी आज कल रात को जज साहब से बात हुई है और जज साहब कह रहे हैं कि सुबह उठ के मैं बड़ा सही इंसाफ वाला फैसला करूंगा, तो एक दफा तो आप मुझसे पूछेंगे कि यार हाउ कम आप उनसे मिलके कैसे आए। ठीक, ये तो देखें ना लेंस के ऊपर अच्छा नहीं ये चीज है। ये जो एनालिस्ट भी हैं या पोलिटिकल जो एक सियासतदान है वो भी ये कह रहे थे कि इमरान खान साहब को अभी इस केस से दूर रहना चाहिए, मुलाकात करनी नहीं चाहिए जब तक फैसला नहीं आ जाता। लेकिन प्रेशर इतना था, चूंकि ये प्रेशर इतना था कि खान साहब को जहांगीर तरीन से तो नहीं मिले लेकिन उनके ग्रुप से मिलना पड़ा। वजह यह थी कि बहुत सारी चीज़ें पंजाब आपके हाथ से निकलता हुआ नजर आ रहा था, फिर लॉबिंग इतनी स्ट्रांग है, तो ये सारी चीज़ें मजबूर कर दिया इन चीज़ों ने कि खान साहब को मिलना पड़े। मैं नहीं समझता, मैं सिर्फ ये समझता हूँ कि मिसकैलकुलेशन हुई है, और अल्टीमेटली खान साहब को हमने देखा है कि एट टाइम्स वो लेजिटिमेट चीज़ों के ऊपर भी प्रेशर नहीं लेते। तो जब वो जो हमारी हज़ारा बरादरी थी वो लेके बैठे हुए थे वहाँ पे अपना प्रोटेस्ट, तो उस वक्त भी उन्होंने कहा मुझे ब्लैकमेल ना करना। सही। तो एट टाइम्स हमने ये तो देखा है कि इमरान खान में इतनी बैकबोन तो है कि वो इजिली ब्लैकमेल नहीं होता। यही TLP थी ना जिससे नवाज शरीफ जो है वो ब्लैकमेल होके और फॉरन डील शील करने बैठ जाते थे। तो एक एटलीस्ट इमरान खान ने ये तो दिखाया कि उसमें बैक स्टैंड ले रहे हैं। मैं अच्छी बात समझता हूं कि इमरान खान का जो नैरेटिव है आज की मुलाकात ने उस नैरेटिव को नुकसान पहुंचाया है, मिसकैलकुलेशन है, बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए था, बैक चैनल रابطے हो सकते थे, वो होने चाहिए थे। अगर मिलते भी तो तमाम MNA से मिलते, तमाम का जो पर्सपेक्टिव है वो लेते, लेकिन ये जो एक ग्रुप है जो हब ग्रुप जो है वो ट्रायल पे जाके वो पहुंच जाता है। पार्टी भी तो चलानी है ना सर। आप देखें ना, खुद नून लीग वाली हरकतें करना शुरू हो गए हैं ना, इनके ये मेंबरान जब अदालत में जाके एक मुलजिम के साथ खड़े हो जाते हैं तो इसी पे तो तंकीद करते रहे पूरी जिंदगी के इमरान खान साहब क्या करते है। जाते हैं। अच्छा नुसर भाई साहब, मरियम नवाज कहती हैं कि इमरान खान किसी और को तो NRO दे नहीं सकते, आज उन्होंने खुद को NRO दे दिया है। उनका इशारा यही था कि आज उन्होंने जहांगीर तरीन को NRO दिया है। मरियम सफदर की बातों का क्या सुनना और क्या यकीन करना, आपको पता ही है किस कदर वो झूठी खातून है, हर लम्हे खड़े होकर झूठ बोल रही होती है, इसके अलावा उनका कोई काम नहीं होता। प्राइम मिनिस्टर वो आदमी है जिसको ना हुकूमत से मोहब्बत है ना दौलत से मोहब्बत है। वो ऑलरेडी दौलत से भी खेल रहे थे और प्रोमिनेंट लीडर थे, पूरी दुनिया उनको जानती थी, उनको किसी किस्म की कोई शहवत नाम की जो चीज़ होती है ना वो नहीं है। वो सिर्फ उस पाकिस्तान को संभालने के लिए आए थे कि किसी न किसी तरह इस लूटे हुए मुल्क को अपने पाँव पे खड़ा कर दें, और माशाल्लाह वो जिस हद तक हो सका है 2.5-3 साल में उन्होंने करने की कोशिश की है। मरियम सफदर जो मर्जी कहती रहें कि उन्होंने NRO दे दिया, अपने आप को दे दिया, आपके अब्बा को तो नहीं दिया जो 50 रुपए में निकल गए, या शहबाज शरीफ को नहीं दिया जब वो अपनी मर्जी से जेल के अंदर चले गए और फिर बाहर आ गए। वो बातें करते हैं या इन लोगों को शर्म नहीं आती इस किस्म की बातें करते हुए, किस किस्म की बातें कर रहे हैं। सबसे पहला तो अगर NRO था वो जो अदालतों ने उन्हें दिया, और प्राइम मिनिस्टर अपने सच्चे दिल की वजह से वो समझे कि वो जो कुछ भी बीमारी पोर्ट्रे कर रहे हैं वो सच्ची है और उनको बाहर जाने दिया, तो उसका ये नतीजा होगा कि वो अपने आप को NRO देने, उनको कोई शौक नहीं, उन्होंने कोई जुर्म नहीं किए हुए खुदा पाता इनके वालदेन की तरह, ठीक, और चच्चा और पता नहीं किस किस की तरह, तो उनको कोई जेल शेल नहीं होने लगी अगर वो इससे हुकूमत से चले भी गए, और हुकूमत का उन्हें कोई शौक नहीं है। ठीक है,
मेरे साहब, अब चूँकि वक्त ख़त्म हो रहा है प्रोग्राम का, क्या कहें कि NRO हर बात में NRO आ जाता है, तो इस चीज़ को मरियम बीबी के इस स्टेटमेंट को आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए ना, NRO तो दिए, इसमें अच्छा। तो कोई शक नहीं है। पहला NRO दिया नवाज शरीफ को जब उसको कैबिनेट ने उठा के मुल्क से बाहर जाने की, जो नून लीग ने NRO लिए हैं उनकी अदालतों में ये जो फैसले आ रहे हैं, तो ये NRO नहीं है? नहीं सर, मैं समझता हूँ कि असल में देखिए NRO है क्या। NRO है एक ऐसा, सर NRO वो तो छोड़े, वो तो है ही, NRO वही है कि आपको रिलीफ अगर मिल रहा है, आप किसी के साथ मिल गया तो NRO ही है ना। के ऊपर कोई अदालत रिलीफ दे रही है, यानी आप कहें कि 2.5 साल के बाद भी शहबाज शरीफ की हम जो हैं वो एविडेंस ही नहीं पूरी रिकॉर्ड कर सके, हम प्रोसिक्यूशन के पूरे विटनेस ही नहीं, तो उसको बेल तो मिलेगी ना यार, वो अदालतों पे फिर आप क्यों डाल देते हैं अपनी। नुसरत भाई साहब, कोरोना की तीसरी लहर है, क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे नाज़रीन को? चूंकि बहुत सारे शहरों में इस वक्त आर्मी तैनात हो गई है, वो कोशिश कर रही है, लेकिन शहरियों से क्या अपील करेंगी, क्या मैसेज देना चाहेंगे? एहतियात करें, जिस एसओपी का बार बार जिक्र हो रहा है उसको प्लीज अप्लाई, बाहर अगर निकलते भी हैं तो प्लीज मास्क जरूर पहने, मास्क के बगैर नहीं निकले। आप देखें मार्केटों में लोग चल रहे हैं, खाने खा रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, मास्क नाम को नहीं है, अगर है भी तो वो नाक के। ठीक है, एहतियात करें। बहुत शुक्रिया नुसरत भाई साहब अपने प्रोग्राम में वक्त दिया। परिसर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे नाजरीन के लिए, आखिरी मैसेज खासतौर पर कोरोना के हवाले से? सर कोरोना का तो खैर सिर्फ यही है कि अपने मुल्क को बचा लें, अपने आने वाली जनरेशंस को बचाएं, अपने माँ बाप को बचाएं, और इंडिया ने जो गलती की है, कोलंबिया ने जो गलती की है, अमेरिका पहले जो गलती कर चुका है, उसको वो गलती ना करें। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अली ज़ाहिर साहब आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं, कोरोना वायरस की लहर बहुत तेज़ है, और एहतियात करें अपने लिए और अपने प्यारों के लिए। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।